और इस वीडियो में आप सब देखने वाले हैं कि कैसे खूनी जेसन गुल्ली गुल्ली और सोन को मारने के लिए उनके पीछे कुत्ते की तरह हाथ धोकर पड़ जाते हैं। आखिर क्या होगा गुल्ली गुल्ली और सोन के साथ, ये सब हम देखेंगे इसी स्टोरी पे। तो आइए देखते हैं ये स्टोरी। इतने सारे ज़ॉम्बीज और खूनी जेसन को देखकर गुल्ली गुल्ली और सोन बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं। गुल्ली बुल्ली से कहता है, बुल्ली लगता है ये खूनी जेसन इन सब ज़ॉम्बीज की सरदार है। बुल्ली गुल्ली से कहता है, हाँ और शायद ये हमसे बदला लेने आया है। गुल्ली बुल्ली ये सब बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी जेसन गुल्ली बुल्ली पे हमला कर देता है। पर इन वक्त पर सोन जेसन को औजार से वार करते हुए देख लेता है और सोन इन दोनों को बचा लेता है। और फिर जेसन गुल्ली बुल्ली और सोन के तरफ दौड़ने लगता है। और इधर सारे ज़ॉम्बीज मिलकर बचे हुए एक पुलिस वाले पर हमला कर देता है। और कुछ ही देर में वो पुलिस वाला भी ज़ॉम्बी बन जाता है। लेकिन जेसन तो हाथ धोकर गुल्ली बुल्ली और सोन के पीछे पड़ चुका है। अब इन सब को तो सिर्फ बाबा ही बचा सकता है। तभी गुल्ली दौड़ते हुए एक पत्थर उठाकर जेसन के सर पे मार देता है। तभी जेसन की आंख पर चोट लग जाती है और वो रुक जाता है। तभी गुल्ली बुल्ली से कहता है, जल्दी बाबा को कॉल करो। बाबा का फोन तो लग रहा है पर बाबा फोन रिसीव नहीं कर रहा है। व्यक्ति को कॉल कर रहे हैं वह उत्तर नहीं दे रहा है, कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें। गुल्ली गुल्ली से कहता है, क्या हुआ गुल्ली, बाबा का फोन अब तक ऑफ है क्या? गुल्ली बुल्ली से कहता है, नहीं बुल्ली, बाबा का फोन तो ऑन ही है पर बाबा फोन नहीं उठा रहा है, क्योंकि बाबा कसरत करने के बाद थोड़ी देर आराम करते हैं और उस वक्त वो अपने मोबाइल फोन को साइलेंट पर रखता है। और इधर जेसन तेजी से इधर ही आ रहा है और सामने भी बहुत सारे ज़ॉम्बीज हैं। तभी गुल्ली बुल्ली और सोन से कहता है, बुल्ली सोन जल्दी से इस डस्टबिन के अंदर छुपो, शायद जेसन इधर ही आ रहा है। और फिर गुल्ली बुल्ली और सोन डस्टबिन के अंदर छुप जाते हैं और जेसन भी उसी गली के अंदर आ चुके हैं। और बहुत ही बेरहमी से गुल्ली बुल्ली और सोन को ढूंढ रहा है। और इधर बाबा आराम करने के बाद अपना मोबाइल फोन चेक करता है। तभी उसे गुल्ली का 2 मिस कॉल दिखाई देता है। वो तुरंत गुल्ली को कॉल करता है पर यही कॉल गुल्ली के लिए मुसीबत बन जाती है। जेसन गुल्ली को देख लेता है, लगता है अब गुल्ली जेसन के हाथों मारा जाएगा। तभी गुल्ली को पकड़ा देख बुल्ली सोन को इशारा करता है और सोन इशारा समझ जाता है। फिर दोनों मिलकर जेसन को एक किक मारता है और जेसन वहीं ढेर हो जाते हैं। तभी गुल्ली बुल्ली और सोन मौका देखकर वहां से भागने लगता है।
और एक शॉप के अंदर जाकर फिर से छुप जाते हैं। और इधर जेसन जोरदार किक खाने के बावजूद भी बेशर्म की तरह फिर से उठकर खड़ा हो जाते हैं। और तीनों को ढूंढते हुए वो भी शॉप के अंदर जाने लगता है, पर जेसन और भी ज़्यादा गुस्से में आ चुका है। और इधर गुल्ली बुल्ली और सॉन डेस्क के अंदर छुपा हुआ है, पर जेसन उन लोगों को देख नहीं पाता है। और तीनों को ढूंढते हुए छत की ऊपर जाने लगते हैं। जेसन को ऊपर जाता देख बुल्ली गुल्ली से कहता है, गुल्ली जेसन ऊपर जा रहा है और यही सही मौका है यहाँ से निकलकर अपने जीप तक पहुँचने का। और एक बार हम जीप तक पहुँच गए तो इस मुसीबत से हम निकल सकते हैं। और फिर गुल्ली बुल्ली और सॉन धीरे धीरे शॉप से निकलने लगता है और किसी भी तरह से अपने गाड़ी तक पहुँचते हैं। अरे नहीं, जेसन यहाँ इतनी जल्दी कैसे पहुँच गया? क्योंकि जेसन ने गुल्ली बुल्ली और सॉन को शॉप से निकलते वक्त ही देख लिया था। अरे ये क्या, जेसन तो फुल स्पीड से इन्हीं की तरफ आ रहा है। और ये क्या, जेसन तो गुल्ली बुल्ली और सॉन को मारने के लिए आगे बढ़ रहा है। तो दोस्तों क्या होगा गुल्ली बुल्ली और सॉन का? क्या जेसन इन तीनों को मार डालेगा? और ये क्या, आसमान पे ये बड़ा सा गुब्बारा वाला चीज क्या है? क्या इसकी अंदर से और भी बहुत सारे ज़ॉम्बीज आने वाला है? ये सब हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। गुल्ली और सॉन तो अब बुरी तरह से फंस चुके हैं। तीनों को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आखिर कैसे इस मुसीबत से निकले, क्योंकि इन सब का यहाँ से भाग पाना तो नामुमकिन है। शायद अब गुल्ली बुल्ली और सॉन का आखिरी वक्त आ गया है। अरे ये क्या, एक एक करके सारे ज़ॉम्बीज मर रहा है। बाबा ने तो इस बार आसमान तोड़ एंट्री की है। गुल्ली बुल्ली और सॉन बाबा को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और सबके जान में जान आती है। बाबा ने तो सारे ज़ॉम्बीज का काम तमाम कर दिया, पर ये क्या, जेसन पर तो बाबा के बंदूक का कोई असर नहीं हो रहा है। तभी जेसन भी अपने तलवार लेकर बाबा के तरफ दौड़ने लगता है और फिर शुरू होता है बाबा और जेसन के बीच लड़ाई। बुरी तरह पीटने के बाद जेसन को देखकर बाबा को ऐसा लगता है कि जेसन अब मर चुका है, इसीलिए बाबा जेसन को छोड़कर गुल्ली बुल्ली और सॉन के पास आते हैं। तभी गुल्ली कहता है,
बाबा आप यहाँ तक पहुँचे कैसे? क्योंकि मैंने जब आपको कॉल किया था तो आपने उठाया ही नहीं था, और फिर जब आपने कॉल बैक किया तो खूनी जेसन ने मुझे पकड़ लिया था। और एक बात, आपको हमारी लोकेशन कैसे मिली? तभी बाबा ने कहा, अरे हाँ गुल्ली, मुझे तो अपने पोटी पाई सोन ने मैसेज किया था। ये सुनने के बाद गुल्ली गुल्ली सोन के तरफ देखने लगे। तभी सोन कहने लगा, हाँ गुल्ली गुल्ली, जब हम सब डस्टबिन के अंदर छुपे हुए थे तभी मैंने बाबा को मैसेज किया था, क्योंकि वहाँ जेसन था इसीलिए मैं कॉल नहीं कर सकता था। तभी गुल्ली गुल्ली सोन को शाबाशी देने लगता है। बुल्ली कहता है, सोन जिंदगी में पहली बार तुमने अच्छा काम किया है। क्या, मैंने पहली बार अच्छा काम किया है? बुल्ली मैं तो हमेशा ही अच्छा काम करता हूँ, पर पता नहीं तुम दोनों को मैं निकम्मा क्यों लगता हूँ। इसी तरह बातें करने में सब इतने उलझ जाते हैं कि किसी को पता ही नहीं चलता है कि जेसन अभी भी जिंदा है। और जेसन उठकर खड़ा होने की कोशिश करता है। अरे ये क्या, जेसन तो बाबा पर हमला करने जा रहा है। अरे जेसन तो सच में पीछे से बाबा पर हमला कर दिया। और तभी आसमान पे दोबारा यूएफओ आता है। ये सब देखकर सोन गुल्ली गुल्ली से कहने लगा, एक तरफ कुआं तो दूसरी तरफ खाई, अब मुझे कौन बचाएगा, मेरा गुल्ली गुल्ली भाई। और इधर यूएफओ से हजारों ज़ॉम्बीज उतरता देख सोन रोने लगता है और कहता है, गुल्ली गुल्ली मुझे बचा लो, प्लीज मुझे बचा लो, मैं इतनी जल्दी मरना नहीं चाहता, मुझे बचा लो। तभी बुल्ली कहता है, सोन चुप करो, चुप करो, चुप। और तभी गुल्ली गुल्ली अचानक से जेसन को एक किक मारता है, जिसे कि जेसन वहीं पे ढेर हो जाता है। और तभी गुल्ली गुल्ली और सोन बाबा को लेकर भागने लगती है। और फिर जेसन यूएफओ की तरफ इशारा करता है, और तभी जेसन चिल्लाकर कहता है, आ जाओ साथियों, आ जाओ। दौड़ते हुए अचानक से बुल्ली रुक जाता है। गुल्ली हम सब इस टनल की अंदर जाकर छुप जाते हैं। गुल्ली कहा, हाँ हाँ चलो चलो इसके अंदर जाकर छुपते हैं और बाबा को होश में लाने की कोशिश करते हैं। और इधर जेसन तारे ज़ॉम्बीज को कहता है, इन सभी कमीनों को ढूंढ दो और मेरे पास लाओ। और इधर बाबा को जब तक होश नहीं आ जाता तब तक गुल्ली बुल्ली और सोन को इसी टनल के अंदर छुपे रहना होगा। पर गुल्ली बुल्ली बहुत परेशान है कि बाबा को होश में लाए तो लाए कैसे। तभी सोन को टनल में पड़ा एक मरा हुआ चूहा दिखता है, जिसमें से बहुत बदबू आ रहा है। लेकिन सोन इस चूहे के साथ क्या करने वाला है? सोन तो उस चूहे को उठाकर बाबा को सुंघाने लगता है। इसे देखकर बुल्ली कहता है, सोन ये तू क्या कर रहा है?
कम से कम अब तो मजाक करना बंद करो, वरना तुम्हें टनल से बाहर फेंक दूंगा। फिर खेलते रहना ज़ॉम्बीज के साथ चूहे बिल्ली का खेल। बाबा से दूर हटा उसे। अरे बुल्ली, ये मेरा स्टाइल है बाबा को होश में लाने का। तभी मरे हुए चूहे की गंध बाबा की नाक में चली जाती है और बाबा बेहोशी में ही सोन को एक लात मारता है। सोन को एक इलेक्ट्रिक तार मिलता है। अब सोन इस वायर के साथ क्या करने वाला है? पता नहीं सोन की दिमाग पे कौन सी खिचड़ी पकता रहता है। और तभी सोन उस वायर को बाबा की पिछवाड़े में घुसा देता है। और तभी बाबा को होश आ जाता है और उनका पावर मोड ऑन हो जाता है। वो सोन की Rolling up, Uber black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad. After her there ain't no coming back, wanna take a run at that. I think she's feeling me, turn it up a few degrees. My imagination of her body gets the best of me. Oh gosh, she's such a tease, bitten lips, bruised knees. I'm addicted to her, need her touching me. Cause she got a bad little waist and we tearing down this place. Off the liquor that we chase, Casamigos to the face, baby, I don't need no space. Coming closer for a taste, and I'll show you how I make everything just fade away. तो दोस्तों, इसी तरह से बाबा ने ज़ॉम्बीज और जेसोन का खात्मा करके गुल्ली बुल्ली और सोन के साथ साथ पूरे शहर को भी बचा लेता है। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आप लोगों ने अभी तक ज़ॉम्बीज के बाकी सारे पार्ट्स नहीं देखे हो तो जाके ज़रूर से देख लो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और ऐसे ही गुल्ली बुल्ली हॉरर स्टोरीज देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और बेल आइकन का ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशंस मिल जाए। इस वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे किसी नए एपिसोड्स के साथ।